कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था तो डिमोलिशन के बाद कांग्रेस पार्टी का एक रेजोल्यूशन है पार्टी का कि हम दोबारा वहां मस्जिद बनाएंगे। समझे आप, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे। क्या हुआ वहां पे फिर? अब कांग्रेस पार्टी बोल रही है, देखिए चुनाव से पहले तो बहुत बातें बोलते, उसके बाद क्या होता आप देख लो। दूसरी बात, आप बोलते कि ये बैन करेंगे नहीं करेंगे, भाई आप शेटकर साहब को पार्टी में लिए, उन्होंने जिंदगी उनकी आरएसएस से शुरू हुई, हाँ उनकी जिंदगी आरएसएस से शुरू हुई पूरा, उन्होंने बीजेपी के फाउंडर्स में से है, उन्होंने कांग्रेस में चले गए। क्या है आपका ये, मेरे को नहीं मालूम, देखेंगे क्या होता इलेक्शन के बाद। बीजेपी वाला ने मुस्लिम वोट डिवाइड करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को उपली को बुलाया यहाँ पर। हाँ तो मैं जाके राहुल गांधी को हराया। सुनियो आप, राहुल गांधी को मैं हराया, कांग्रेस पार्टी को लास्ट टाइम 2019 लोकसभा इलेक्शन में कितने एमपी आए कांग्रेस पार्टी को, कितने एमपी आए? एक ही आया ना, हमारे डीके के भाई आए, वो भी मेरी वजह से हार गए, समझे ना। उनका कितने 45, 50, 49 जीते, वो मेरी वजह से आए, समझे आप। उनके एमएलए भाग गए बीजेपी में, मेरे से खाना खा के घर में मेरे जाओ बोला उनको। ये बकवास है, पूरे महाराष्ट्र कर्नाटका में हम दो सीट लड़ रहे, एक पे सपोर्ट कर रहे, आप लड़ो ना भाई, कौन रोक रहा आपको? तो वो उर्दू में एक सेइंग है, नाच नहीं जाने तो आंगन टेढ़ा बोलते, तो उनका मामला ऐसा है।